की हमारी बैठक जो है बजट को लेके हुई है। 2024 का जो बजट है सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हमने अभी 8-10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, पंचायती राज मंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि सिलाई अध्यापिकाएं 96 से कार्य कर रही हैं और 2017 से वो 10 से 5 पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अभी तक हमको दैनिक वेतन भोगी घोषित नहीं किया गया है। 2022 में, अक्टूबर 2022 में हमें दैनिक दर से हमारी अदायगी हुई है, जो सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। इतने साल कार्य करने के बाद भी हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। हमारी 70% महिलाएं जो है रिटायर हो चुकी है, बिना किसी ग्रेचुटी के, बिना किसी जीपीएफ के लाभ के, वो हम अब खाली हाथ अपने घर लौटी है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए समस्त सिलाई अध्यापिकाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग में उन्हें समायोजित किया जाए और उन्हें नियमित किया जाए। समस्त सिलाई अध्यापिकाओं को हर माह की 7 तारीख से पहले वेतन दिया जाए। और कई पंचायतों में हमारी सिलाई अध्यापिकाओं का बहुत शोषण होता है, कुछ एक पंचायतों में होता है, सारी जगह तो नहीं होता है, लेकिन हमारी उन विकास खंडों के विकास अधिकारियों से निवेदन है कि वहाँ का वो कड़ा सा कड़ा संज्ञान ले। और एक बार हम पुनः इस बजट का विरोध भी करते हैं। दैनिक जो दिहाड़ी बढ़ी है वो तो सभी की बढ़ी है, लेकिन आज के लिए वो हमारे लिए न्याय संगत नहीं है, क्योंकि हम इतने 26-27 सालों से हम कार्य कर रही हैं, सिलाई अध्यापिकाएं खाली हाथ ही लौट रही हैं। जब भी हम मंत्री जी से मिलते हैं वो हमेशा हमें यही बोलते हैं कि आपका रिव्यू के लिए भेजा गया है, कुछ ना कुछ आपके लिए हम कर रहे हैं ना। अभी हम किसी भी कार्य के लिए हमें जो है ऑथराइज नहीं किया गया है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि हम लोगों को न्याय संगत जो है वो पद दिया जाए और हमें जल्दी से जल्दी ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित किया जाए। और दैनिक वेतन भोगी जो है हमें 2017 से काउंट किया जाए। 2017 से ही सिलाई अध्यापिकाएं 10 से 5 अपनी सेवाएं दे रही है, और जो अध्यापिकाएं हमारी 2017 में सेवानिवृत्त हुई है उन्हें भी जीपीएफ का ग्रेचुटी दी जाए, क्योंकि वो खाली हाथ ही अपने घर लौटी है।